गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 28 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्वेश्चन ही है, लेकिन हम प्रीवियस ईयर यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। SSC CGL टीयर 2 में जो पूछे गए हैं 2023 में, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक नेम्ड बादशाहनामा। बादशाहनामा जो बुक है इसको लिखा था अब्दुल हामिद लाहौरी ने। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो ये स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। फिर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड हमार बेटी हमार मान स्कीम। इस स्कीम को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉज द सेकेंड वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ये कौन थे? ये थे जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन। चाइनीज ट्रेवलर केम इन हर्षवर्धन असेंबली। हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चाइनीज ट्रेवलर आया था? तो ये हुएन सांग आया था। और ये मेरे याद रखने का तरीका, हर्षवर्धन का नाम भी एच से स्टार्ट होता है, हुएन सांग भी एच से स्टार्ट होता है, तो ये दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं। बाकी कोई भी चाइनीज ट्रेवलर का नाम एच से नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है, ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें अच्छे से याद किया होगा आपने, वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है अफ्रीका के जो ग्रासलैंड घास भूमि है उसको। और फिर है साइंटिफिक नेम ऑफ कार्डमम एंड ब्लैक पेपर। कार्डमम और ब्लैक पेपर का साइंटिफिक नेम क्या है? तो वो है इलेक्टेरिया कार्डमम और पेपर निग्रम या नाइग्रम। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए जो CGL में पूछे गए थे, तो इन्हीं के आधार पर आगे की भी तैयारी अपनी कीजिएगा अगर SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड शौर्य दिवस ऑन विच डेट। तो इंडियन आर्मी के द्वारा शौर्य दिवस को 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। इस दिन क्यों किया गया? 27 अक्टूबर 1948, ये दिन ऐसा है जब आज़ाद भारत की पहली सिविल मिलिट्री विक्ट्री हुई थी। ठीक है, अभी कब हुई थी? तो 76 ईयर हो चुके हैं उसको। कश्मीर में हम लोगों को पता है पहले किसका शासन था, महाराजा हरि सिंह का वहाँ पर शासन था। और क्योंकि कश्मीर स्टार्टिंग से पाकिस्तान को भी चाहिए था और इंडिया के पास भी रहना था, इंडिया के लिए भी ये ज़रूरी था। तो आज़ादी के बाद जब कश्मीर, कुछ एरियाज ऐसे थे जिन्होंने अपना डिसीजन नहीं लिया था कि उन्हें कहाँ जाना है, भारत में शामिल होना है या फिर पाकिस्तान में होना है, तो उनमें से एक कश्मीर भी था। और इसीलिए अगर स्टार्टिंग में डिसीजन हो जाता ना, तो भले ही वो पाकिस्तान को चला जाता लेकिन डिस्प्यूट ख़त्म हो जाता। डिस्प्यूट इसीलिए बना रहा क्योंकि डिसीजन आया ही नहीं था आज़ादी के बाद भी। महाराजा हरि सिंह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए उन्हें, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। और फिर क्या हुआ, पाकिस्तान के जो कुछ मिलिटेंट्स थे जो पाकिस्तान के साइड से आए कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए हथियारों के साथ में, और उस टाइम पर कश्मीर में हालत ख़राब हो गई थी, जो महाराजा हरि सिंह थे वो उसको संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। अब इंडिया हेल्प करेगा लेकिन क्यों करेगा? तो इंडिया ने ये शर्त रखी कि आप हेल्प, हम हेल्प ज़रूर करेंगे, अपनी फोर्सेज भेजेंगे कश्मीर में, लेकिन उससे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? तो बेसिकली ये एक तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था जिसको सभी स्टेट्स ने साइन किया था, जो भी इंडिया में शामिल होना चाहते थे, कि ये साइन करके आप ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बनते हैं। तो इंडिया ने बोला कश्मीर को कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कीजिए, तो फिर हम आप आकर आपकी हेल्प करेंगे। तो उसके लिए महाराजा हरि सिंह मान गए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, और उसके नेक्स्ट दिन ही भारत से जो भारतीय सेना है, भारतीय फौजें हैं, वो कश्मीर में गई और फिर वहाँ पर जीत हासिल की। पाकिस्तान के जो भी मिलिटेंट्स आ गए थे उनको फिर भगा दिया। तो ये पहली आज़ाद भारत की पहली सिविल मिलिट्री विक्ट्री थी, जीत थी, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है शौर्य दिवस के रूप में 27 अक्टूबर को। अभी इसका 76th ईयर ऑफ लैंडिंग ऑफ फोर्सेज इन कश्मीर, इसको सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EU एंड इंडिया कंडक्टेड जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज एट विच प्लेस। तो यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़, लगभग 2-3 कंट्रीज़ और इंडिया, दोनों ने मिलकर एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज की, कहाँ पर की? गल्फ ऑफ गिनी में की। ठीक है, और भारत की तरफ से, भारतीय नेवी की तरफ से INS सुमेधा ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये सुमेधा, ये गया था पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंडिया मैरीटाइम, EU इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था, 3rd एडिशन था इसका, 5 अक्टूबर को हुआ था, और इसके बाद ही फिर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। रीसेंट एक्सरसाइज यहाँ पर देख लेते हैं, तो अभी हमें देखने को मिली एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, कहाँ पर हुई? मंगोलिया में हुई। सालवेक्स एक्सरसाइज इंडिया और USA के बीच होती है, कोची में हुई 2023 में।
इंडिया और जापान के बीच जिमेक्स एक्सरसाइज होती है और विशाखापट्टनम में हुई। फिर एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट 2023, इंडियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और मंगोलिया में ये हुई थी। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज एक्यूविरिन, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच होती है और उत्तराखंड में 12th एडिशन इसका कंडक्ट किया गया। अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच और ये सऊदी अरबिया में इस बार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल बिगिन इन विच कंट्री। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल शुरू हुआ वियतनाम में, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 3 दिन का फेस्टिवल है और ये ऑर्गेनाइज किया गया टू प्रमोट एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमारी है ना पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उन पर ध्यान देना भारत का लक्ष्य था, है ना, उनकी ओर देखना। लेकिन लुक ईस्ट को चेंज करके एक्ट ईस्ट कर दिया गया। कब किया गया? 2014 में। तो अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब उन कंट्रीज़ की तरफ सिर्फ देखना नहीं बल्कि एक्ट करना, उनके साथ में काम करना, ये इसका लक्ष्य है। तो इसी को प्रमोट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया। कहाँ पर किया गया? वियतनाम में। और इस फेस्टिवल का ये जो एडिशन है इस बार हुआ कौंसल जनरल ऑफ इंडिया मदन मोहन सेठी के द्वारा होस्ट किया गया। वियतनाम की कैपिटल है हनोई और पीएम है यहाँ के फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ अवार्डेड फ्रॉम कौंसल जनरल ऑफ फ्रांस। ये है ऋचा चड्ढा, ऑप्शन डी करेक्ट है। इन्हें कौंसल जनरल ऑफ फ्रांस से सम्मानित किया गया है। फ्रेंच में इसको ये बोलते हैं, तो आप पढ़ लीजिए, हाईलाइट मैंने कर दिया है। क्यों इनको सम्मानित किया गया है? फॉर हर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। 2015 में इनकी मूवी आई थी मसान, इसके लिए 2 अवार्ड्स भी 2015 में इनको मिले थे और साथ में केन्स फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था ना 2015 में वहाँ पर भी स्क्रीनिंग की गई थी इस मूवी की, ठीक है, मसान की, ऋचा चड्ढा की इस मूवी की। और अभी इनको कौंसल जनरल ऑफ फ्रांस का इसे सम्मानित किया गया है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग इज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एट विच प्लेस। इसको नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया। चाणक्य डिफेंस डायलॉग को हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज पांडे, इनके द्वारा इसको प्रेजाइड किया गया है और इसको इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है इन पार्टनरशिप विद सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द जामरानी डैम प्रोजेक्ट, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। जमरानी डैम प्रोजेक्ट उत्तराखंड का है ये, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब ये जो प्रोजेक्ट जो है शुरू हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा, तो ड्रिंकिंग वाटर इरीगेशन की जो प्रॉब्लम है हल्द्वानी और उसके आसपास के एरियाज़ की, वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी इससे। कौन सी नदी पर ये डैम प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? गोला रिवर पर, नैनीताल में ये देखने को मिलती है। तो ये रिवर अच्छे से याद रखिएगा, जमरानी डैम प्रोजेक्ट गोला रिवर पर उत्तराखंड में। यहाँ कुछ डैम्स देख लेते हैं, तो नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा रिवर के ऊपर बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, नर्मदा के ऊपर। भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर के ऊपर। इडुक्की डैम है केरला में, इडुक्की रिवर के ऊपर। टिहरी डैम उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी के ऊपर। हीराकुंड डैम उड़ीसा में और इसको महानदी के ऊपर बनाया गया है। कोयना डैम कोयना नदी के ऊपर है महाराष्ट्र में। मेट्टूर डैम तमिलनाडु में कावेरी नदी के ऊपर। रिहंद डैम उत्तर प्रदेश में रिहंद रिवर के ऊपर। और इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। इसको लॉन्च किया है राजस्थान ने और बेसिकली स्टार्टअप के लिए है ये, ठीक है। ये जो पोर्टल बनाया गया है राजस्थान सरकार ने बनाया है, जयपुर बेस्ड स्टार्टअप हायर फॉक्स के साथ मिलकर बनाया है इसको, आई स्टार्ट राजस्थान, ठीक है, स्टार्टअप के लिए है ये पोर्टल राजस्थान का। अब स्टेट न्यूज़ जो रहे हैं अभी इनको देख लेते हैं। तो अभी कल ही हमने देखा सीएम योगी ने ओपन किया है पहला मिशन शक्ति कैफ़े उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? गोंडा में। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का एफर्ट है टू कंजर्व एन इंडेंजर्ड स्पीशीज नीलगिरी ताहर। झारखंड पहला स्टेट बनाया है टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसको लॉन्च किया गया यूपी में। असम के सीएम हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया श्रद्धांजलि सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लाई ओवर इन द स्टेट। उदयपुर राजस्थान में है और ये बना इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी। हरियाणा ने हुक्का बार पर बैन अनाउंस किया है। एमपी के सीएम के द्वारा अनवील की गई 108 फीट की आदि शंकराचार्य का स्टैचू, कहाँ पर? ओमकारेश्वर में। आईसीएमआर ने अप्रूवल दिया है फॉर ट्रू नेट टेस्ट टू डिटेक्ट निपाह वायरस इन केरला। गोवा के सीएम के द्वारा गृह आधार स्कीम को लॉन्च किया गया। असम के गवर्नर ने अनवील किया सरपंच संवाद मोबाइल ऐप
और उड़ीसा के सीएम ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। पॉलिटिशियन ली के कियांग हैज पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये चाइना के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, 2013 से 2023 तक 10 साल से प्राइम मिनिस्टर चाइना के थे। फिलहाल कौन है, ली कियांग हैं। इनसे पहले थे ली के कियांग और इनकी अभी डेथ हो गई है, ठीक है। ही वॉज द लीडर ऑफ द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। एक ही पार्टी है चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसके ये लीडर थे। अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं रिसेंट जितने भी लोगों की डेथ हुई है। सबसे पहले एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, इनको जाना जाता है, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। डॉक्टर जॉन वॉर्नॉक अडोब के को फाउंडर हैं। सी आर राव मैथमेटिशियन थे। इसरो के साइंटिस्ट एल वेल्लारमथी, ये चंद्रयान 3 के पीछे काउंटडाउन जो हमें देखने को मिला, लास्ट वॉइस थी इनकी। ओमेन चैंडी केरला के सीएम थे। निकी मैक्रेपेंशन बास्केटबॉलर थी एक। जॉन गुडनफ यूएस से बिलोंग करते थे, साइंटिस्ट थे। लिथियम आयन बैटरी के को इन्वेंटर थे। राकेश मास्टर टॉलीवुड के कोरियोग्राफर। सिल्वियो बर्लिस्कोनी इटली के फॉर्मर पीएम। गीतांजलि अय्यर इंडिया की पहली इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी। सुलोचना लतकर एक्ट्रेस थी और वेद कुमारी घई संस्कृत स्कॉलर थी। हु इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023। इसका 7th एडिशन नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। कहां पर किया गया, नई दिल्ली में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बाय स्विस वॉच मैन्युफैक्चरर रेडो। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कटरीना कैफ, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं इसकी। एड्स भी देखे होंगे आपने, रेडो एक वॉच मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर कुछ रिवाइज कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा लॉरियस एम्बेसडर बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी स्वराज ट्रैक्टर्स के। शेफ जो है संजीव कपूर इंडियन ऑयल्स। एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड के बने हैं। इगस वाइतिक पोलैंड की इन्फोसिस की बनी है और इन्फोसिस के ही राफेल नडाल भी हैं। फिर राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। श्रद्धा कपूर एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक्सपोर्ट्स गियर कंपनी है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। रश्मिका मंदाना प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया की, और यही रेंगुलर ब्रांड की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच प्लेयर हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री। रोहित शर्मा, विराट कोहली, किंटन डी कॉक और या फिर ग्लेन मैक्सवेल। आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।